स्वतंत्रता सेनानी भवन एकता द्वार में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी राम अवतार दीक्षित की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। वक्ता धवल दीक्षित ने उपस्थित समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों से ही आज हम और आने वाली पीढ़ी आज आजाद है, देश को प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं। सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के अध्यक्ष इशरतुल्ला खान ने श्रद्धांजलि देते हुए अपने स्वतंत्रता सेनानी पिता के साथ दीक्षित के आंदोलन की अवधि के किस्से भी सुनाए। संचालन अचल दीक्षित ने किया। इस अवसर पर सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज मुरादाबाद के प्रसिद्ध क्रांतिवीर श्री राम अवतार दीक्षित जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर एक विचार गोष्ठी सेनानी संगठन के द्वारा यहाँ रखी गई है। इसमें उनके कार्य और देश के प्रति जो उनका सहयोग था उस पर चर्चा की जाएगी। स्वर्गीय राम अवतार दीक्षित जी का जन्म जेल के अंदर हुआ था लाहौर में, क्योंकि आपके पिताजी भी सेनानी थे और पत्नी भी सेनानी थी उनकी। तो जब दोनों लोग जेल में थे, लाहौर जेल में, तो 23 तारीख को लाहौर जेल में जन्म हुआ था सन 1923 में। उसके बाद जब 16 वर्ष की आयु थी तो बिजनौर में आपने थाना फूंक दिया था और रेलवे स्टेशन पे जो सरकारी खजाना होता है उसको लूट लिया था। उसके बाद सरकार ने इन्हें पकड़ा और पकड़ने के बाद इन्हें 2 साल की कड़ी कैद की सज़ा दी गई। कुछ साथियों ने, इनके जो साथी थे, उन्होंने माफ़ी मांग ली थी, परंतु यह माफ़ी मांगने से इन्होंने इनकार कर दिया था। और उसके बाद यहाँ मुरादाबाद में जब सजा काटने के बाद मुरादाबाद आए तो सन 1944 में यहाँ पर क्रांतिकारी सभाएं कर रहे थे। अमरोहा में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी मीटिंग कर रहे थे। उस वक्त मुरादाबाद के इफ्तिखार फरीदी साहब थे, जो जब पुलिस ने इन्हें घेर लिया तो इन्हें बचाने के लिए, जब पुलिस ने मारने के लिए गोली चलाई तो इफ्तिखार साहब सामने आ गए थे और उनके पैर में गोली लगी थी। किसी तरह बचा करके वो लोग इन्हें यहाँ मुरादाबाद में लाए थे। यहाँ काला प्यादा एक जगह है, यहाँ एक मुस्लिम परिवार में छुप कर रहे थे लगभग 6-7 दिन। और विशेष बात यह है कि उस मुस्लिम परिवार ने इनके ब्राह्मण होने के नाते घर में प्याज तक का भी सेवन बंद कर दिया था। आज से कौन गए यहाँ? आज इनकी श्रद्धांजलि सभा है और उन्हीं के किए कार्यों पर विचार किया जाएगा। और जो स्वप्न इन सेनानियों ने, इन देश के क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए देखा था, हम प्रयास करेंगे कि वह पूर्ण हो। युवाओं में वो संदेश दें कि भावना क्या थी, उनके स्वप्न क्या थे, उनके लक्ष्य क्या थे, इस देश के प्रति वो क्या चाहते थे, किस तरह से इस देश को सुंदर बनाना चाहते थे, उसी सब बातों को लेकर एक चर्चा रखी गई है।